नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे एमजी फैमिली किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की रेसिपी है पके हुए केले की पैनकेक। इसे बनाना बहुत ही इजी और आसान है। आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 पके हुए केले लिए हैं, देख सकते हैं। 1 गिलास दूध, 1 कटोरी मैदा, यहाँ पर मैंने 1 कटोरी घी लिया है, 1/2 कटोरी सूजी, 1/2 कटोरी शक्कर यानी चीनी और 6-7 इलायची को मैंने इस तरह से कूट लिया है, देख सकते हैं। सबसे पहले मैं 1 पाव लूँगी, उस पर मैं इस केले का छिलका छील लूँगी। और ऐसे वाले स्पॉन से मैं इसे मैश कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए कितनी आसानी से ये मैश हो जाता है। एक केले को मैंने कितनी आसानी से इसको मैश कर लिया है। अभी मैं इस पर डालूँगी मैदा, सूजी, शक्कर, 2 स्पून घी, 1 खुशबू के लिए इलायची पाउडर। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। इस तरह बनाया हुआ पैनकेक बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। आप लोग बच्चों के टिफिन पर भी इस तरह से बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही पसंद आएगा इस तरह से बनाया हुआ पके हुए केले की पैनकेक, देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके दूध। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बटर बन के तैयार हो चुका है। मैं यहाँ पर डालूँगी 1/2 स्पून से थोड़ा कम बेकिंग सोडा। अभी मैं इसे 5 से 6 मिनट इसी तरह से चलाते रहूँगी। देखिए 5 से 6 मिनट हो चुका है, हमारा ये बटर बनके तैयार हो चुका है। और इसमें देख सकते 1/4 है ये, दूध बाकी रह गया है। और मैंने घी का यूज़ किया है, आप लोग रिफाइन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा डालेंगे और इस तरह से चला देंगे, देख सकते हैं इस तरह से भर के डाल देंगे। आपने इस हिसाब से बड़ा या छोटे साइज में भी बना सकते हैं। ये वाले साइज में बना लिया है। 5-6 थोड़ा सा और घी डाल दूंगी। अभी मैं इसको धीमी आंच में गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। ये देखिए मैं अभी इसको पलट दूंगी और दूसरे साइड भी मैं इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। ये देखिए हमारा दूसरे साइड भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे निकालूंगी एक प्लेट पर। बचा हुआ को भी मैं इसी तरह से बना लूंगी।
आप लोग किस तरह से तावे पर भी पैनकेक बना सकते हैं और नॉन स्टिक तावे पर भी पैनकेक बना सकते हैं। ये देखिए मैंने बचा हुआ को भी इसी तरह से डाल दिया है। ये देखिए इसी तरह मैंने सारे पैनकेक यानी तावा केक को बना लिया है। वही मैं इसके डेकोरेट के लिए यहाँ पर मैंने ताज़ा वाला नारियल को ग्रेट कर लिया है, इसके ऊपर डाल दूँगी। आप लोग अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इस पैनकेक को यानी पके हुए केले के पैनकेक को आप लोग बटर या किसी जेम्स के साथ भी खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं, इतना ही टेस्टी बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स, पके हुए केले के पैनकेक यानी तावा केक बनके तैयार हो चुका है। आशा करती हूँ इस तरह का रेसिपी आप लोगों को जरूर ही पसंद आएगा। और इस रेसिपी को आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।